शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। उसका नंबर मिल गया। अरे यार लाइफ बन गई। थैंक यू। देख अगर तू उससे सही में प्यार करता है तो बिना डरे आज फोन लगा ही दे। हेलो। गुड मॉर्निंग मैम, आई एम कॉलिंग फ्रॉम लुक योर बेस्ट ब्यूटी पार्लर। आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि हमारे यहाँ हेयर कट की कई अट्रैक्टिव स्कीम्स लॉन्च हुई हैं। सी, मैंने परसों ही आपके पार्लर में हेयर कट करवाया है, सो कॉल करने के लिए थैंक यू एंड ऑफर्स के लिए नो थैंक्स। अबे दो दिन पहले ही हेयर कट करवाई है, अब क्यों करवाएगी? तिरुपति भेज रहा है क्या उसको? यार उसने भी यही कहा। ऑब्वियसली यही कहेगी। जरा सुन, तू ये बता, कभी किसी लड़के से बराबर से बात भी की है क्या जो सीधे प्यार करने चला? अगर तू उससे नॉर्मल सर्विसेज की जगह ब्यूटी ट्रीटमेंट का ऑफर देगा ना, तो दैट्स अ श्योर शॉट अट्रैक्शन फॉर गर्ल्स, पक्का मान जाएगी। गुड आफ्टरनून डियर गुड सेल्फ मैम, हमारे यहाँ स्किन व्हाइटनिंग, लाइटनिंग, टाइटनिंग, इन सब के लिए रशियन, एसमीज, थाई, फिलिपिनो लड़कियों का टैलेंट है। तो ब्यूटी सर्विस से भी चल लड़कियाँ, व्हाट इज दिस? रशियन चाइनीज थाई गर्ल्स क्या ये? क्या बोलूं फिर? हाँ तेरे से सांड रखा है सब करने के लिए। हट। तुम गिरवान हो ना? यस यस, थैंक यू फॉर रिमेम्बरिंग माय नेम। उसको मेरा नाम याद है, शी रिमेम्बर्स माय नेम। मत कर रहा है। याद नहीं है, तुम्हारा नाम आइडेंटिफाई डायलर ने किया। मैं तो सिर्फ पढ़कर बोल रही हूँ। अगर तुम मुझसे दोस्ती करना चाहते हो, इतनी बार फोन करना, आवाज बदल बदल कर बात करना, आई एम श्योर वी कैन ट्राई बीइंग फ्रेंड्स। बाय द वे, हेयर कट करने के लिए थैंक्स, और मेरा ख्याल रखने के लिए वन मोर थैंक्स। सबको तुम्हारा हेयर कट बहुत पसंद आया। थैंक यू सो मच। क्या हुआ? मान गई? अरे हो गया। अरे ये मे आई कम इन सर? कम इन प्लीज, हैव अ सीट। थैंक यू सर। कॉल मी गुप्ता। मुकेश गुप्ता या ओनली मुकेश? सर आपने बुलाया था। राइट, यू नो तुम्हारे जॉब की मियाद, आई मीन ड्यूरेशन के हिसाब से तुम अभी कोई प्रमोशन या तरक्की की हकदार नहीं हो, लेकिन तुम्हारी क्षमता, आई मीन पोटेंशियल देखकर मैंने तुम्हें अपनी तरफ से प्रमोशन देने का इरादा किया है। थैंक यू सो मच सर। बट यू विल हैव टू पे मी बैक। हाउएवर, तुम्हें ये सब मैं यूं ही नहीं दे रहा। हाँ सर, आई विल वर्क हार्ड, और आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ना टाइम, ना दिन, ना रात, नथिंग मैटर्स। वर्क वर्क एंड ओनली वर्क सर। अनविता, आई मीन समथिंग एल्स। क्या आपको मेरी सैलरी से कट चाहिए? मैं शेयर करने के लिए। व्हाट रबिश अनविता, और भी तरीके हैं मुझे रीपे करने के। मिस्टर मुकेश गुप्ता, मैं इस बात को वहां तक लेके जा सकती हूं जिससे आपकी नौकरी जा सकती है, लेकिन मैं ऐसा करूंगी नहीं, क्योंकि जहां जाओगे फिर यही करोगे, और शायद वहां कोई कमजोर लड़की होगी। तो आज से मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि जब जब तुम मुझे देखोगे या मेरे बारे में सोचोगे, तुम्हें डर लगेगा। I'm scared. ऐसा मत करना प्लीज। मैं
मैं तो यहां 16 सालों से हूं, 16 years, हाँ? और अब तो सीनियर मैनेजमेंट में हूं, तुम्हारी तो अभी परख, प्रोबेशन पीरियड अभी खत्म नहीं हुआ है। ये प्रमोशन लेटर को तुम्हारा बाय बाय लेटर बनाने में मुझे 2.5 सेकंड भी नहीं लगेंगे, ओनली 2.5 सेकंड्स। एंड वैसे भी मैं देख रहा हूं और पूरे ऑफिस में चर्चा हो रही है तुम्हारे टू मच टू सून नजदीकियों के बारे में। जब तक मेरी पर्सनल लाइफ मेरे काम में इंटरफेयर नहीं करती है, किसी को भी इसके बारे में बोलने का या दखल देने का कोई हक नहीं है। और हाँ, वो मेरी मर्जी है, मेरी मजबूरी या पेशा नहीं। अनविता, तुम जा कहाँ रही हो? तेरी बेटी को बताने कि वो भी तुझसे बच के रहे। What happened? Hot babe looking fireball today. क्या हो गया? यार लोग इतने कमीने क्यों होते हैं? हाँ होते हैं। तुझे क्या हुआ? साला मुकेश गुप्ता HR मैनेजर मुझे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा था। क्या? सीरियसली? हाँ, प्रमोशन का लालच देकर सेक्स का डिमांड कर रहा था साला। तो तूने क्या बोला? तुझे क्या लगता है क्या बोला होगा मैंने उसे? जितना मैं तुझे जानता हूँ, तू अपने आप को कभी एक्सप्लॉइट नहीं होने देगी। उस कमीने की इतनी हिम्मत कैसे हो गई? तो जाके बॉस से कंप्लेन करनी चाहिए थी ना। अरे यार क्या फायदा, प्रूफ तो कुछ कर नहीं पाऊंगी, वही मी टू वाला हाल होगा और नई नई जॉब लगी है। ठीक है, आई एम श्योर तूने उसे अच्छा जवाब दिया होगा। अब वेट कर, अगर गलती से भी उसने ऐसा कुछ भी किया तो छोड़े मत साले को, सीधा पुलिस कंप्लेन फाड़ दियो उसकी। साले सारे ये सब एक से हैं, लड़कियों के बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं? यार नॉट ऑल मैन, कुछ कुछ होते हैं चीपस्टर्स। मैं कुछ भी करूं मेरी मर्जी, दूसरे कौन होते हैं कुछ भी बोलने वाले? यार राइट, लेकिन अब थोड़ा शांत हो जा, अपना प्लान तो रेडी है ना नेक्स्ट टाइम, इस बार उसको छोड़ना नहीं है। बियर लेगी? चलेगा यार, वैसे भी दिमाग ठंडा रखना है। ले, थोड़ा सर पे भी डाल दूं? तुझे मजाक लग रहा है? यार बात बहुत सीरियस है, लेकिन अभी कुछ कर भी नहीं सकते, तो जस्ट चिल। आई एम गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड और मेरा सर भी बहुत फटा जा रहा है। तो मैडम, आपका पर्सनल मैसा हाजिर है, मैं आए? तू बहुत चालू हो गया है बॉस। तेरे मेरे बीच में कुछ चालू होने की भी जरूरत है क्या? यू नो हाउ मच आई लाइक यू एंड हैव द फर्स्ट राइट ऑन योर लव। बस कमिटमेंट से फटती है। यार इस कमिटमेंट रियली इंपॉर्टेंट? उसका तो पता नहीं, लेकिन तेरे हाथों में जादू है। तेरे सर के अलावा भी कहीं और दर्द हो रहा है क्या? कमीने, फुल बॉडी में पेन हो रहा है, क्या करेगा? तेरे सारे दर्द पी जाऊंगा। मुझ पे मीटू तो नहीं लगाएगी ना? अब अगर तू रुका तो जरूर मीटू लगाऊंगी। हाय, आई एम अनविता। हाय, आई एम गिरवान। मगर क्या हमें इस परिचय की जरूरत है? आई थिंक सो। प्लीज। थैंक यू। पहले मिले थे कस्टमर की तरह और अब मिल रहे हैं एज फ्रेंड्स, सो व्हाई नॉट?
Yes, ma'am. I will have cappuccino without sugar. इस मामले में मैं एकदम देसी हूँ, मसाले वाली कड़क चाय पीऊंगा, अदरक और पुदीने के साथ। मुझे समझ नहीं आता लोग कॉफी पीते कैसे हैं? हाँ? और मुझे ये नहीं समझ आता चाय गले से कैसे उतरती है। चाय इस दिल से दिल की ड्रिंक, जहाँ दो सच्चे दोस्त मिले वहाँ चाय अपने आप आ जाती है। एक कैपेचिनो कॉफी और एक मसाला चाय अदरक और पुदीने के साथ। नो, दो मसाला चाय। ओके। मैं भी तो देखूं आपकी दिल से दिल की ड्रिंक कैसी होती है। ठीक है, देख लेना। क्या जगह है, क्या लोकेशन मिली है एड फिल्म के लिए। बॉस और क्लाइंट दोनों खुश हो जाएंगे। यू नो व्हाट, आई कांट वेट टू सी द एड फिल्म हियर। दुनिया में कितनी कम खूबसूरती बची है, हर जगह स्काईस्क्रेपर्स, बिल्डिंग्स, टावर्स। यू आर एब्सोल्युटली राइट। खैर छोड़ो, इस जगह की बात करते हैं। बाय द वे, गुड जॉब अनविता, कीप इट अप। थैंक यू। कम। कौन हो तुम? इतने दिनों तक क्यों नहीं मिले मुझे? मेरे ओपनिंग बैट्समैन, नो फोन, नो मैसेज। तुम वो हो? हाँ, मैं अभी भी वो हूँ। और तुम? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेने आई थी, वो भी अकेले में। इस पार्लर की असली मालकिन मेरी मम्मी है, तुम उनका इंटरव्यू क्यों नहीं लेती? वैसे तो मेरी पेडिक्योर की अपॉइंटमेंट है, बट क्या मैं लेग्स की वैक्सिंग करा सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, मम्मी आती ही होंगी, वो कर देंगी। तुम जान के भी क्यों अनजान बनते हो? मेरे टेंडुलकर कर कर। ओ माय भगवान, व्हाई दिस मैन हाफ साइड में यू, हाफ ऑन यू, हाफ अराउंड यू, इज समथिंग इन यू। मां, यू नो व्हाट? क्या? व्हाट? आंखें बदल। मां, ये तुम्हारी अपॉइंटमेंट है जिसे मैं जबरदस्ती झेल रहा हूँ। और मां, मैं एक जेंट्स पार्लर खोलना चाहता था जो कभी हो नहीं पाया, तो कुछ भी बोलने से पहले एक बार हिंदी में बोल दिया करो। व्हाई? क्योंकि माय इंग्लिश हाई इंग्लिश। हां मां, व्हाट वांट यू मी? तुम्हारा इंटरव्यू लेने आई है। इंग्लिश में दूंगी। हाई इंग्लिश, लो इंग्लिश, इंग्लिश प्रॉब्लम। मैंने कभी किसी लड़की के साथ कोई गलत बात नहीं की। मैंने कभी किसी लड़की के साथ कुछ बुरा नहीं किया। मैंने आज तक लड़कियों के साथ सिर्फ अपने काम से काम तक का रिश्ता रखा। एक लेडीज ब्यूटी पार्लर चलाने के बावजूद कभी कुछ ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़े। कभी किसी लड़की का हाथ तक नहीं पकड़ा। मेरे कुछ दोस्त मेरे सिद्धांत को समझते हैं, पर ज्यादा दोस्त हंसते हैं मुझ पर। बट दैट्स द वे आई एम। कभी किसी लड़की के पीछे नहीं भागा, क्योंकि मैं एक ही लड़की के साथ चलना चाहता था, और वो लड़की तुम हो अनविता। मैं तुम्हारे कदम के साथ अपने कदम मिलाने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारे समय को अपना वक्त बनाने के लिए तैयार हूँ। But I have a past. And I want you to know about it. हर इंसान का अतीत होता है, और इसमें कोई शर्म या डर वाली बात नहीं है। मुझे तुम्हारे अतीत से कोई लेना देना नहीं है, बट आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन योर प्रेजेंट एंड इन योर फ्यूचर, जिसका मुझे ख्याल रखना है। किरवान, मुझे कभी नहीं पता था कि मुझे कोई ऐसा मिलेगा जो मुझसे इतना प्यार करेगा। Yours forever. बेजुबा दिल ने इकरार किया है, आंखों ने जिससे प्यार किया है, मेरे जज्बात की हिफाजत करना मोहब्बत से ज्यादा एतबार किया है।
आंद्रे नॉन वेज ड्रिंक्स, विक्रम वेज नो ड्रिंक्स, मोनिका साली बेवड़ी है, इसके बारे में क्या लिखना, पेट भरती नहीं है बार खाली करती है। हे मोनिका, अरे तेरा ही नाम लिख रही थी। क्यों, अब भी से गिरवान के नाम से बोर हो गई क्या? नेवर, ऐसा कभी नहीं होगा। चल बाय, मुझे लग रहा है बॉस को भनक लग गई कि मैं ऑफिस में पर्सनल काम कर रही हूँ। चल चल बाय। हाय। हाय। अब हमें कॉफी ही पीनी पड़ेगी। I'm committed to गिरवान। आंद्रे, तुम मेरी शादी के ही नहीं बल्कि मेरी जिंदगी के बेस्ट मैन हो। Thank you for everything to date. Are you leaving this job? No, never. क्यों? नहीं, वो तुम्हारा thanks बहुत फिल्मी था ना? बहुत time से तुम्हें thank you बोलना चाह रही थी। एक जरूरी बात। मैं तुम्हें इस बात का यकीन दिलाती हूँ कि हमारे बीच जो कुछ भी रहा है, उसे लेकर तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। गुजरे हुए पल को treasure करना चाहती हूँ और आने वाले कल को एंजॉय। फ्रेंड्स फॉरएवर। My son liking men, woman no interest, no choice, to woman. Girwan loves men job, woman no, man no, to woman ho. I suspect English coming to you na? Oh very fast. इतनी मैं ये पूछ रहा था कि आपने जो अभी भी कहा वो beauty parlor तक ही सीमित है या? Dad. Don't be naughty. No, I'm not naughty. खुश रहो। आओ बेटा। In the mood. थक गई होगी। अनवी, चलो जा रहा हूं मैं। क्या कुछ तो मिला।
ट्रेलर से ही खुश हो, शाम को आओ पूरी पिक्चर दिखाऊंगी। कहा ना शाम को, थोड़ा तो वेट कर लो। ओह गॉड, ये शाम कब आएगी? किरवान, शाम तो शाम को आएगी। नाउ यू गो। क्या हुआ? अब इस पिक्चर में इंटरवल नहीं चाहिए। I'm sorry, गिरवान। It's something I can't understand. वो तुम सोचो, मुझे तो पूरी पिक्चर देखनी है। Please try to understand me. आज मैं भी बहुत खुश थी। सोचा था तुम्हें पूरी दुनिया की खुशियां दूंगी। लेकिन क्या? मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ। मतलब? मेरे माँ पापा ने सिखाया है कि कुछ भी करो लेकिन कभी किसी से झूठ मत बोलना। ये क्या बोल रही हो? सच तो ये है कि मैं ये सब एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ। कोई प्रॉब्लम है मुझमें? क्या मैं अच्छे से नहीं कर रहा? नो, यू आर जस्ट ग्रेट। आई हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन सेक्स।